आज का जो हमारा टॉपिक है मोटराइज वाल्व का एक्चुएटर को कनेक्शन कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, हम इसको पूरा तरीका आपको वीडियो में दिखाएंगे और वायरिंग करके भी इसका डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुलिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसको एक्चुएटर है मोटराइज वाल्व का, ये टू वे थ्री वे दोनों में हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। ये थ्री वे का सिंबल है, ये टू वे का सिंबल है, और ये हमारा कितना परसेंटेज वाल खुला हुआ इसको हम लोग इससे रीड करते हैं, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो हमारा डिसाइकल है ये यहाँ आके इसको फिट होगा। ठीक है, और इसका जो लॉक है ये इधर देखिए ये जो लॉक है ये ऐसे पूछ सके, ये जो लॉक दिख रहा है ये इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, और इधर देखिए ये जो डिसाइकल है ये मेरा यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। इसको देखिए यहाँ इसको पिन है, देखिए ये एक बार देख लीजिए इसको, ये देखिए ये लॉक यहाँ बैठता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये पिन को पुश करेंगे, इसमें बैठ गया, ये लॉक हो गया। अब हमको जो हमारा डिसाइकल है ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तब इसके लिए हमको इसको भी पुश करेंगे तो ये अपने अपने जगह पे आ जाएगा। देखिए ये दोनों साइड से इसको पुश किए, ये आ गया। अब हम लोग इसको डिसाइकल यहाँ से टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इसमें सप्लाई आता है ये 24 वोल्ट आता है। ठीक है, और इसको 0 से 10 वोल्ट तक का, मतलब ये जैसा वाटर का जितना डिमांड रहेगा वो हिसाब से ये चिल्ड वाटर का वो हिसाब से ऑपरेट होता है, 0 से 10 वोल्ट तक का। अगर 20% मेरा मोटराइज खुलेगा तो इसका जो हमारे ये इसका वोल्ट बताएगा, अगर वोल्ट हम लोग चेक करेंगे तो मोटर का 20% में 1.2 बताएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग बताएगा। अगर 100% मेरा, देखिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ, ये मेरा वाल्व जो अगर 100% ओपन रहेगा तो ये 10 बताएगा। ठीक है ना, अब इसका हम लोग आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। इंस्टॉल करने का आप तरीका देख लीजिए कितना इजी है। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को यहाँ एक जो दिख रहा है इसको खोलेंगे, कवर को हम लोग रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कर लिए, अब हम लोग इसका कनेक्शन को रीड करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी हम इसको इंस्टॉल करें, इसको कनेक्शन करने से पहले हम लोग इसका जो लॉक है इसको हम लोग निकाल देते हैं। अगर हम कनेक्शन कर देंगे इसको भूल जाएंगे तो ये हमारा जो यहाँ लॉक का पॉइंट दिख रहा है ये जो हमारा टूट जाएगा, ये ऑपरेट होगा तो हम लोग कभी मैनुअली अगर लॉक करना रहेगा इसको तो हम लोग नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम लोग इसको भी सबसे पहले आपको खोल के दिखाएंगे। ठीक है, इसको लॉक को हटाने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रू पे, इसको हम लोग अब इसको हम लोग बाद में टाइट करना चाहते हैं, इसको ऐसे पुश करके यहाँ से हम लोग टाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन पे आइए, हम लोग पहले एक टी में एक बी में एक जम्पर लगाएंगे और जो 22 वोल्ट का सप्लाई या 24 वोल्ट का सप्लाई आ रहा एक टी में एक इसमें लगेगा। ठीक है, जो 24 वोल्ट का, और जो मेरा डिमांड का वायर आएगा वो वाई में लगेगा। अभी हम आपको कनेक्शन करके भी दिखाएंगे इसका। अभी हम लोग जम्पर के लिए
करते हैं, ठीक है। ये जो जो है सेम ये वाई का है, ये टी का है, तो सब दिया हुआ है इसमें, बहुत इजी कनेक्शन है इसका। हम लोग अभी एक जम्पर मारेंगे, ठीक है। हम लोग एक वाई में एक बी में, इसका डायग्राम भी दिया रहता, आप डायग्राम से भी देख के कर सकते हैं, पर आपको सिंबल पहचानने आना चाहिए। अब हम लोग इसको जम्पर कंप्लीट कर दिए, अब इसका हम 24 वोल्ट डिमांड का सप्लाई देंगे, ठीक है। अभी हम लोग केबल जो होता है मेन जो सप्लाई और डिमांड है उसका, ठीक है। ये हमारा जो ये जो हमारा ब्लू और ब्राउन है इसको हम लोग 24 वोल्ट का मेरा सप्लाई है, और ये जो है एक्चुअली ग्राउंड का वायर आता है ये सिंबल जो है इसीलिए, लेकिन पर हम लोग यहाँ तीनों वायर आया हुआ है, जो पैनल से पहले कभी वायरिंग कोई किया होगा तो इसी को डिमांड का बना दिया, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको काम करेंगे। आप ये सिंबल रेड कलर वायर का कलर देख के ना सोचे कि ये बॉडी ग्राउंड है, ये एक्चुअली हम लोग इसको बॉडी ग्राउंड का कलर कोड है, लेकिन हम लोग इसको कमांड के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले से वैसे ही किया हुआ था इसमें इसका कारण, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा तो 24 वोल्ट का मेरा एक्सीलेटर के लिए जो सप्लाई आ रहा है इसको हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन ये मोटराइज वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कूलिंग के हिसाब से वाटर का फ्लो के लिए, ठीक है। एक्चुअली हम लोग अगर बहुत कोई होता है इसी को मोटराइज वाल्व बोल देता है, तो ये नहीं मोटराइज वाल्व को ऑपरेट करता है, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं। ये बहुत तरह का आता है, हम लोग HVAC सिस्टम में इसको एक्चुलेटर में डंप जो डंपर होता है फ्रेश एयर का इसका सप्लायर का उसको भी हम लोग ऑपरेट करने के लिए उसको हम लोग एक्चुलेटर का यूज़ करते हैं, तो सेम है। या देखिए अभी इसको कनेक्शन हम लोग डाल रहे हैं, अभी एक्टिव हो जा गए, ठीक है। अभी 24 वोल्ट इसमें सप्लाई आ चुका है, अब ये एक्टिव हो गया, देख रहे आप कैसे घूम रहा। तो बहुत सिंपल सा तरीका, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है एक्सीलेटर को फिट करने का। मोटराइज थ्री वे टू वे दोनों के हम लोग इससे कर सकते हैं। अब हम लोग मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, आप देख रहे हैं दोनों ग्रीन लाइट जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, दोनों ग्रीन लाइट है जो ये दोनों ये भी एक्टिव हो चुका है। अभी देखिए इसको हम लोग मैन्युअली करते हैं हाथ से, आपको हम दिखाते हैं, देख रहे हैं ये मेरा एक्टिव हो गया। तो इसको देखिए ये 100% ऑफ, एकदम स्लोली ये नीचे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत आसान तरीका है इसको फिट करने का, इसका कनेक्शन का, इसका डायग्राम भी दिया हुआ था, आप इसको डायग्राम के हिसाब से भी रीड करके इसको आप लगा सकते हैं। इस साइड डायग्राम दिया हुआ है, देख रहे टोटल डायग्राम दिया हुआ है, तो हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली वायरिंग करके दिखा दिए। देखिए ये हमारा वर्क है जो पूरा प्रॉपर ही कर रहा है, और अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसको बाईपास कैसे किया जाता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, इसको बाईपास करके हम मान लीजिए ये मेरा ख़राब हो गया तो इसको हम लोग मैन्युअली कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक ही वीडियो बहुत सारा इसमें कनेक्शन वगैरह बताना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग फिट करेंगे।